माँ भाभी भी तो किसी की बेटी है। शोभा रसोई में सारा काम निपटा कर खाली हुई तो थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई। शोभा की शादी बीते अप्रैल महीने में हुई थी और उसी की हम उम्र उसकी ननद मीरा की भी शादी मई महीने में हुई थी। मीरा के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल छोटी बहन जैसा था। मीरा अपनी भाभी को बहुत प्यार करती थी लेकिन दोनों को सिर्फ एक महीने तक का ही समय साथ में व्यतीत करने को मिला। बाकी भी सभी लोग परिवार के काफ़ी अच्छे थे लेकिन हम उम्र ननद की बात ही अलग थी। जैसे ही शोभा अपने कमरे में पहुंची तो उसके पिताजी का फ़ोन आ गया। बेटा तीज और रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, तेरे भैया तुझको लेने आएंगे। मैं अभी तेरी सासू माँ और पिताजी से बात कर लेता हूँ। शोभा जी पिताजी कहकर फ़ोन रख दिया। शोभा लेटते ही अतीत में पहुँच गई। शादी से पहले तीज और रक्षाबंधन का त्यौहार अनेक खुशियाँ लेकर आता है। भैया से तरह तरह की फरमाइशें करती, अब की से मुझे ये उपहार लेना है, लेकिन भैया को चिढ़ाते हुए कहती मैं तो कुछ भी नहीं लाऊंगा। लेकिन रक्षाबंधन वाले दिन उसको वही उपहार प्राप्त होता। उसकी भाभी भी उसकी छोटी छोटी सी खुशियों का बड़ा ख्याल रखती। यही सब सोचते सोचते उसका मन पुलकित होने लगा और अब तो भैया आने वाले हैं। ननद की शादी के कारण मायके में सिर्फ पगफेरे के लिए ही गई थी, उसके बाद किसी न किसी कारणवश मायके नहीं जा पाई। सोचकर अब किसे जाऊंगी तो थोड़े दिन रह कर आऊँगी, यही सब सोचते सोचते उसकी नींद आ गई। अचानक पिताजी की आवाज़ सुनाई पड़ी, शोभा बेटा चाय का समय हो गया है। हड़बड़ा कर उठी और देखा 5 बज गए। अरे अब तो अमर जी के आने का समय भी हो गया। जल्दी जल्दी चाय बनाने लगी, तब तक अमर जी भी आ गए। सभी लोग बैठकर साथ में चाय पी रहे थे। तभी सासू माँ बोली, अमर बेटा आज शोभा के पिताजी का फ़ोन आया था, शोभा को बुलाने के लिए कह रहे थे। मैंने मना कर दिया। अमर क्यों माँ? सासू माँ, अरे तेरी बहन का भी पहला तीज और रक्षाबंधन का त्यौहार है और वो भी तो आने वाली है। अमर लेकिन माँ शोभा का भी तो पहला तीज और रक्षाबंधन का त्यौहार है। माँ अरे वह मायके बाद में चली जाएगी, मेरा भाभी के साथ रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। अमर चुप हो गया और शोभा भी मन मसूर कर रह गई, क्योंकि संस्कारों के कारण कुछ भी बड़ों से बोलना उचित नहीं समझा। और फिर यह सोचकर खुश हो गई कि मीरा दीदी आएगी तो घर में रौनक हो जाएगी। थोड़े दिनों बाद ही मीरा मायके आ गई, चारों तरफ चहल पहल का माहौल हो गया। मीरा दिन भर अपनी भाभी से अपने दिल की बातें करती रहती। शोभा का भी मन मायके जाने की बात धीरे धीरे भूलने लगी, लेकिन बीच बीच में मायके जाने की मन में तड़प उठती जरूर। एक दिन घर के सभी लोग साथ में बैठे हुए थे, अचानक मीरा ने पूछा, माँ भाभी कब मायके जा रही हैं? सासू माँ बोली, अभी नहीं, जब तू वापस ससुराल चली जाएगी तब थोड़े दिन के लिए उसे भेज दूंगी। माँ बोली, मीरा बोली, क्यों माँ? भाभी का भी तो पहला तीज और रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसके लिए आपने सोचा? जैसे आप लोग मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे ही भाभी के मायके वाले भी अपनी बेटी का उतना ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। भाभी भी तो मेरी तरह किसी की बेटी है। इतना सुनते ही शायद माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। पिताजी से बोली कि शोभा के पापा को फ़ोन कर दो कि शोभा के भाई को भेजकर शोभा को बुलवा लें। शोभा की सासू माँ अपनी बेटी मीरा से बोली, बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी, शायद मैं गलत थी। इतना सुनते ही शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे और अपनी ननद मीरा के गले लगकर बोली, दीदी मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
मीरा बोली, भाभी जैसे मेरे अरमान वैसे ही आपके अरमान। यदि मेरे सास ससुर मुझको ना आने देते तो मुझको कैसा लगता? ऐसा एहसास मुझको आपके लिए बोलने के लिए मजबूर कर गया। मीरा बोली, भाभी अभी आप मायके हो आइए, फिर अगली बार जब हम आएंगे तब साथ साथ इकट्ठे खूब दिनों तक रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। शोभा भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही थी कि भगवान ने उसको बहन से भी प्यारी ननद दी है जो अपनी भाभी के अरमानों को समझ सके, और वह खुशी खुशी अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।